हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जिसका नाम है वर्ल्ड फैक्ट युग। कुछ भी जो देगा फैक्ट की जानकारी कभी भी कुछ भी। हेलो गाइस, मैं हूँ युग और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गंदी बात। आज के समय इंसानों की जिंदगी 70 से 100 साल भी जीना बड़ी मुश्किल की बात है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे जीवों के बारे में जो इंसान से कहीं ज्यादा जीते हैं और ऐसे जीवों के बारे में भी जो कि अमर हैं। तो डोंट वेस्टिंग टाइम, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1, अंटार्कटिका स्पंज। अंटार्कटिका स्पंज समुद्री स्तर में पाई जाने वाली एक जीव है जिसकी 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। ये दिखने में बहुत ही अजीब जीव है जो एक स्थान पर ही रहकर पूरी जिंदगी बिता देता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान कभी जाता नहीं है और वैज्ञानिक के अनुसार यह जीव 1500 साल तक जीता है। नंबर 2, कोई फिश की उम्र 50 से 60 साल होती है और यह फिश साफ पानी व समुद्री पानी दोनों में पाई जाती है। कोई फिश की 50 से 60 साल की उम्र होने के बाद भी कुछ ऐसे कोई फिश पाई गई हैं जिनकी उम्र 250 से 300 साल तक की है। नंबर 3, टोटोइस। टोटोइस को हिंदी में कछुआ भी कहा जाता है। विश्व भर में 260 से भी अधिक कछुए की प्रजाति पाई जाती है। इनमें से 85% प्रजाति एशिया में पाए जाते हैं जिसमें से 28% प्रजाति भारत में पाया जाता है। आपको बता दें कि कछुआ ठंडा खून वाला जीव है और माना जाता है कि ठंडे खून वाले प्राणी का जीवन काल बहुत लंबे समय तक होता है। क्या आपको पता है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और कछुओं का जीवन काल बड़े लंबे समय तक का होता है। ये कछुए 250 से 300 साल तक जीते हैं। नंबर 4, ओसिंकाहू। ऐसे अजीब जीव को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये जीवित नहीं है और यह जीव अपनी पूरी जिंदगी समुद्र की सतह पर बिता देता है। ओसिंकाहू एक ऐसा जीव है जो समुद्री सतह पर पाया जाता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इनका जीवन काल 400 से 450 साल का होता है। नंबर 5, जेलीफिश। जेलीफिश हर समुद्र में पाई जाती है और समुद्र में जेलीफिश की 1500 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं। जेलीफिश का शरीर 90% पानी से बना होता है और जेलीफिश में दिमाग, दिल, फेफड़े, पैर या हड्डी नहीं पाई जाती है। तो आप ये सोचते होंगे कि ये सांस कैसे लेती होगी। ये सांस अपनी त्वचा से लेती है। जेलीफिश में एक अद्भुत कला होती है, वह अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती है। जेलीफिश पूरी तरह से एक बार बड़े होने पर दोबारा से छोटे होकर बड़े होने लगती है और यही क्रिया वो अपनी ज़िंदगी में कईयों बार अपनाती है। इसी कारण जेलीफिश की उम्र कभी निश्चित नहीं होती और ये अमर होती है।